Everyone, today we are going to talk about how to do literature review in Mendeley. Literature review की जो last video थी उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि हम literature review क्यों करते हैं और उससे gaps किस तरीके से identify होते हैं और वो gaps identify करना क्यों जरूरी है. Everything that you want to learn about doing the literature review वो उस video में आपको मिल जाएगा. अब इस literature review को हम easily ऐसे कर सकते हैं with the help of softwares. ठीक है, एक तो हम traditional way से करते आते हैं लेकिन हम मेंडले जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसमें हम इसको किस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं लिटरेचर्स को. नाउ व्हाट इज मेंडले? इनिशियली आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ ब्लेसिंग. दिस हैज मेड आवर वर्क मच इजियर, 100 times इजियर देन इट वाज बिफोर. जब मेंडले से पहले मैं अपना रिव्यू कर रही थी तो व्हाट आई हैड टू डू वाज कि मैं पीडीएफ फाइल्स में बार बार जाती थी, वहां से कॉपी करती थी, फिर वर्ड में आके पेस्ट करती थी, फिर उसको पैराफ्रेज करती थी, रीफ्रेज करती थी और उसके बाद लिटरेचर बनता था. जो चीज़ हम 15 दिनों में हमने कुछ ही आर्टिकल्स सिर्फ जो है रिव्यू किए थे लेकिन जब हमें हमारी टीचर ने मेंडले के बारे में बताया तो उसके बाद जो चीज़ हमारी 15 दिनों में हो रही थी वो सिर्फ 1-2 दिनों में हमारी हो जाती थी. सो दिस इज अ ब्लेसिंग. मे गॉड गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू दैट पर्सन जिसने इसे बनाया है. पहले तो हम बात करेंगे कि ये है क्या. बेसिकली दिस इज अ सॉफ्टवेयर और ये एक रिसर्च मैनेजर है. फॉर दोज पीपल जो रिसर्च करते रहते हैं उनके लिए तो दिस इज मोर देन इनफ. ठीक है, ये मैनेज करता है आपके रिसर्च के काम को. कैसे, किस तरीके से मैनेज करता है, ये इजी टू यूज है. ठीक है, और ये काम किस तरीके से मैनेज करता है कि हमारे जो एपी स्टाइल रेफरेंसेज हैं जो कि हम बार बार अपने हाथ से ट्रेडिशनली या मैनुअली जनरेट करते हैं, मैनुअली खुद उसको जनरेट कर देता है. ठीक है, हमने किसी आर्टिकल की बात की, मेंडली खुद उसको जनरेट कर देगा. उसके बाद बिब्लियोग्राफी जितनी भी एक रिसर्च के नीचे डली हुई होती है हमें खुद मैन्युअली वो लिखने की जरूरत नहीं है, मेंडली खुद उसको वहीं पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. इसके अलावा द बिगेस्ट गोस्ट इन आवर लाइफ, जब हम रिसर्च करते हैं साइटेशंस, बार बार हमें जो है डॉट्स का, कॉमास का, एट ऑल का, पता नहीं किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. मेंडले में जब हम काम करेंगे तो साइटेशंस भी आपकी खुद जनरेट हो जाएंगी. दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, एपीए का करते हैं, हार्वर्ड का करते हैं, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं और साइटेशंस भी खुद जनरेट होंगी. अभी सारा किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी. लास्ट यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, नोट्स. नोट्स इसके बनते हैं और नोट्स का क्या मतलब है वो जब हम मेंडले डाउनलोड करेंगे तो आई विल टेल यू कि नोट्स का क्या मतलब है. ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट. अच्छा, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने डेस्कटॉप गूगल पे जाके मेंडले लिखना है और आपने ये फर्स्ट वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड कर लेना है. यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये जब यहाँ पे कम्प्लीटली ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के डाउनलोड्स में ये मिल जाएगा और यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना है. देन दिस विल कम लाइक दिस. जब डेस्कटॉप पे आ जाएगा तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा. अब इफ यू आर अ न्यू यूजर टू मेंडले तो आपने यहाँ से इसको रजिस्टर करना है. ठीक है, रजिस्टर पे आप जब लगाएंगे तो ये आपके पास उसकी साइट खुल जाएगी और यहाँ पे जाके आपने जो जो जिस तरीके से हम आईडीज बनाते हैं तो वो आपको ईमेल मांग रहा है, जो भी मांग रहा है आपने उसको प्रोवाइड करना है. अब आपकी आईडी बन गई, आप अपना वर्ड खोलें और वर्ड में जाके देखिए कि यहाँ रेफरेंसेस के पोर्शन में आपको इंसर्ट साइटेशन लिखा मिलेगा जो कि वर्ड का अपना साइटेशन है. हेल्पफुल होता है लेकिन जब हम असाइनमेंट्स बनाते हैं तब, रिसर्च के टाइम पे वो इतना हेल्पफुल हमारे काम नहीं आता. ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइटेशंस मिल रही हैं. आपने क्या करना है, अपनी आईडी आपने बना ली, अब आपने यहाँ पे साइन इन करना है. ये अपने पासवर्ड लगा के आपने साइन इन कर लिया तो इस तरीके से मेंडले ओपन हो जाएगा. जब ओपन हो जाएगा तो आपने टूल्स में जाना है तो और यहाँ पे जाके आपने इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन करना है, यानी आप इसका एक्सटेंशन अपने वर्ड में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा एंड देन यू हैव टू डू दिस, ओके करना है इसको. अब जब आप अपने वर्ड में जाएंगे तो रेफरेंसेज में आप देखिए मेंडले कनेक्ट हो चुका है, यानी इसका एक्सटेंशन डल चुका है हमारे वर्ड में. अब हम रिसर्च अपने आराम से कर सकते हैं. अब आई एम गोइंग टू ओपन दिस मेंडले. मैं इसको बंद करी क्योंकि पहले भी इसमें एक इशू आया था. जी, ये इस तरीके से आपने इसको ओपन कर दिया और आपने इसको ओपन करके फिर अपनी आईडी और अपना जो पासवर्ड है जो आपने बनाया था वो आपने लगाना है. ठीक है, ये अपने आपने आईडी और पासवर्ड लगा लिया.
अब लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने डाउनलोड किए थे अपने आर्टिकल्स, जिस तरीके से वो मैंने बताया था कि आपने लिबजन से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल स्कॉलर से, वो आपने जो डाउनलोड कर लिए थे, आपने यहाँ से ऐड फाइल्स करना है और उसमें इसमें आपने वो आर्टिकल्स डाल देने हैं. मेरे टोटल आर्टिकल्स जो मैंने साइट किए हैं टिल नाउ दे आर 50. दैट इज अप टू यू कि आप कितने आर्टिकल्स डाउनलोड करते हैं जब तक आप सेचुरेशन के पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते. राइट, ये आर्टिकल्स आपने डाउनलोड कर लिए. नाउ यू कैन सी दिस लिटिल एरो, आपने इस एरो को प्रेस करना है. ये आर्टिकल आपने ऐड किया तो इसकी डिटेल्स करेक्ट है. ठीक है, ये खुद बता रहा है कि इसकी डिटेल्स करेक्ट है. इस आर्टिकल में भी इसकी डिटेल्स करेक्ट है. अगर कोई डिटेल करेक्ट नहीं है, सपोज आप एक दफा रीचेक कर लें इसको, आप इसको ओपन करके देख लें और यहाँ पे आप देखें कि क्या नाम, ये वाला नाम यहाँ पे सही लिखा हुआ है, क्या इसके जो ऑथर्स के नेम है वो यहाँ पे लिखे हुए. अगर नहीं लिखे हुए तो आप इस तरीके से लिख लेंगे. ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से स्टीव लिखूं भी सही तो स्टीव खुद ही ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा. वो मैं नहीं कर रही, वो ये मेंडली खुद कर रहे. ठीक है, वंस योर डिटेल्स आर करेक्ट तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिटेल्स आर करेक्ट, आप उसको लगा देंगे. ये तो आर्टिकल है तभी यहाँ पे जर्नल आर्टिकल लिखा हुआ है, वरना आप यहाँ पे अगर बुक होगी तो आप बुक लिखेंगे या जो भी चीज होगी आपने उसका लगाना है. बट मोस्टली क्योंकि हम आर्टिकल्स से ही करते हैं तो आर्टिकल, बट बुक्स से भी क्योंकि मैंने रिव्यू किया था तो कुछ ऐसे थे जहां पे मैंने बुक के सेक्शन को लगाया था. ठीक है, अब ये हो गया. वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दिस DOI नंबर. ये DOI नंबर आपको या तो यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको सपोज यहाँ से नहीं मिलता DOI नंबर तो आप इसका जो नाम है, ये जो नाम है एस्टेब्लिशिंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसका नाम आपने कॉपी करके और आपने लिखना है गूगल में जाके और वहां जाके आपने इसका DOI ढूंढना है. आपको या क्रॉस रेफ पे मिल जाएगा या एरिक पे मिल जाएगा या गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा. नहीं मिलता तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, बट मिल जाए तो वेल एंड गुड. आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे DOI नंबर पेस्ट कर दें. ठीक है, ये हो गया. अब हमने सारी डिटेल्स कलेक्ट कर ली. अब सपोज मैंने लिटरेचर करना है, ये कितनी अच्छी बात है कि आपकी PDF की फाइल यहीं पे पड़ी हुई है और यहाँ पे आप देखिए नोट्स लिखे हुए. ठीक है, आप यहीं से देखते जाएंगे और यहाँ पे आपने अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, जो जो आपको नजर आ रहा है वो आप लिखते जाएंगे. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आप किसी और के लिटरेचर रिव्यू से अपना लिटरेचर कभी भी नहीं बनाते. आपने सारा आर्टिकल पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसकी सिग्निफिकेंस, उनकी फाइंडिंग्स, उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, कौन से मेथड्स यूज करनी है, तो वो सारे आपने पढ़ने हैं और उसके बाद आपने वहां से अपना लिटरेचर उठाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यहाँ पे लिटरेचर है, हम कहते हैं कि इन्होंने जो है इंटर मेथडोलॉजी, इन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च यूज की है और इन्होंने इंटरव्यूज के थ्रू डेटा यूज किया है. मेन इनके फोकस रिसर्च का ये था और इसकी फाइंडिंग्स हमारे पास ये निकली. वो सारा इतना अच्छा खासा बन जाता है और उसके बाद हमने वो कॉपी करके पेस्ट करना है. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये इसने किसी और ऑथर की बात की. ठीक है, ये इनका लिटरेचर रिव्यू है, ये हमारा लिटरेचर रिव्यू नहीं है. तो हम यहाँ से किसी और ऑथर की बात निकाल के और फिर हम क्या करते हैं, नीचे हम रेफरेंसेस में चले जाते हैं और वहां से रेफरेंस कॉपी कर लेते हैं. ये दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस. जब हमने अपनी टीचर से पूछा था तो उन्होंने कहा था जब आप किसी और का लिटरेचर रिव्यू कॉपी करेंगे या चोरी करेंगे, इसको एकेडमिक थेफ्ट ही कहते हैं. जब आप उनका लिटरेचर रिव्यू कॉपी करेंगे तो आपको अपनी अपनी रिसर्च की डायरेक्शन कभी भी नहीं मिल सकती. आपने ये सारा पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने मेथड वगैरह सब कुछ लिखा है कि हमने क्या यूज किया, किस थ्रू से, वो सारा आपने क्रक्स यहाँ पे लिख लेना है साइड पे अपना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ पे काम किया हुआ है, अब इस पे मैंने काम किया हुआ है और ये मेरा काम है. ठीक है, ये मैंने सारा कर लिया है. अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी कर लिया, यहाँ से मैंने सारा काम अपना कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे वर्ड पे डाल दिया. अब आपने जाके यहाँ पे देखना है कि ये काम किसने किया था. ठीक है, कैथरीन ने ये काम किया था और या फिर आपने ये देखना है कि इसका नाम क्या था. यहाँ पे जब आप वर्ड पे चले जाते हैं तो आपको अभी साइटेशन डालनी है. साइटेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन कर देंगे और कैथरीन नाम था उसका. तो ये देखिए मेरे पास आ गया, व्हाट काउंट्स एज लिटरेसी. आपने ओके कर दिया और ये साइटेशन खुद जनरेट हो जाएगी. ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी स्नो. उनका नाम कैथरीन स्नो था तो स्नो 2006 वो खुद ही आ गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से ये जो सपोज मैंने काम है, ऊपर वाला काम, ये ऊपर वाला काम मैंने इस आर्टिकल से किया था, दिस वन. Let me show you. अच्छा, इससे मैंने ये काम किया था. ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने किसी का काम देख लिया,
मैं यहाँ पे बैठ के मैंने नोट्स बना लिए, ये काम मैंने इनका किया है और इनका नाम क्या है, लॉरा, ठीक है, क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच प्री स्कूल, तो ये काम इनका था, मैंने दोबारा क्या कर लिया, इंसर्ट साइटेशन कर ली, यहाँ पे लॉरा सिर्फ लिख लिया, तो ये वाला है क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच प्री स्कूल एनवायरमेंट, इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए लॉरा जस्टिस उनका नाम था, ये खुद ही लास्ट नेम आ गया, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जितने भी काम करेंगे यहाँ पे साइटेशन आप इंसर्ट करेंगे तो वो खुद आ जाएगी, और जब आपका बहुत सारा बन गया, आपने बहुत सारी साइटेशन, सपोज मैं डालती जाती हूँ साइटेशन, ठीक है, एक मैंने इनका काम कर लिया, जितने आपको डालने हैं आप डाल दें, ठीक है, दोबारा मैंने साइटेशन यहाँ से इंसर्ट कर दी, एक इनका काम था ये मैंने डाल दिया। जब आपका सारा लिटरेचर रिव्यू बन जाएगा, रिसर्च बन जाएगी, अब आपने क्या करना है, हम परेशान होते हैं कि हम रेफरेंसेस कहाँ से ले आएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है, आप जब इंसर्ट करेंगे तो ये देखें तमाम ये बिब्लियोग्राफी आपके सामने आ चुकी है, यू डोंट हैव टू पुट इट मैन्युअली इन योर रिसर्च पेपर। तो इस तरीके से साइटेशन भी ये खुद डालता है और बिब्लियोग्राफी भी खुद, आप यहाँ पे बेशक 50-100 आर्टिकल्स भी साइट कर लें, जो जो यहाँ पे आपने साइटेशंस की है ना, ये जो साइटेशंस की है ये यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में खुद आती जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज हाउ मेंडले हैज मेड आवर वर्क वेरी इजी। दैट्स ऑल फॉर दिस, आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड कैंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।